आप देख रहे हैं TNB। सर्दियों में क्या आपको अपनी कार स्टार्ट करने में कई दिक्कतें आती हैं? क्या एक बार चाबी घुमाने से क्या आपकी कार स्टार्ट नहीं होती है? तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, सर्दियों में कार स्टार्ट करने में परेशानी होना एक आम समस्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड के कारण कार की बैटरी की क्षमता कम हो जाती है और इंजन ऑयल ठंड की वजह से इंजन पर जम जाता है। इससे कार के स्टार्ट होने में मुश्किल होती है। यदि आप भी सर्दियों में कार स्टार्ट करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखकर आप अपनी कार को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। सर्दियों में अपनी कार को स्टार्ट करने का पहला रूल ये है कि कार को खुले में न पार्क करें। सर्दियों में कार को खुले में पार्क करने से कार का इंजन और बैटरी ठंड के कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे कार को स्टार्ट करने में मुश्किलें हो सकती हैं। नंबर 2, कार को स्टार्ट करने से पहले इंजन के सभी खिड़कियों और दरवाजों को खोल दें। इससे कार के अंदर से ठंडी हवा निकल जाएगी और इंजन को गर्म होने में मदद मिलेगी। रूल नंबर 3, कार के इंजन को कुछ सेकंड तक हिलाएं। इससे इंजन के अंदर ऑयल और अन्य लिक्विड्स का संचार बेहतर होगा और इंजन को शुरू करने में आसानी होगी। नंबर 4, लंबा सेल्फ न दे। लंबा सेल्फ देने से कार की बैटरी कमजोर हो सकती है। इसके साथ ही आप इन बातों का भी ध्यान रखें। अपनी कार की बैटरी की स्थिति की नियमित रूप से जांच करें। यदि बैटरी की चार्जिंग लेवल कम है तो उसे बदलवा लें। नंबर 2, सर्दियों में कार को लंबे समय तक स्टार्ट न रहने दें। यदि कार को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो उसे कुछ मिनट के लिए चालू रखें। इससे इंजन ऑयल गर्म रहेगा और कार को स्टार्ट करने में आसानी होगी। कार को स्टार्ट करने के लिए सहायता की आवश्यकता हो तो किसी दूसरे वाहन से बैटरी चार्ज करें या कार जंक्शन का उपयोग करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में कार स्टार्ट करने में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।